हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिटी टेक्स। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, कोई भी आपको डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो बैंड अगर जैसे कम्प्लीट करेगा और कोई भी आपको डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो। ओके, तो हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको आंसर सहित बताने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मैं डिस्कस कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होगा, जिससे आप फुल स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें पहले हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको इसका पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन के पीडीएफ आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। पूरे 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए, पूरे 5 करने। ऑप्शनल में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे तो आप पहला कर लो या इसके सो ऑप्शनल क्वेश्चन कर लो, जो आता रहेगा वो आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसके लिए अभी जिसका भी एग्जाम लगा है ना, वो सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें जितने दिए हैं सारे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है। जिसका सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ ये भी पेपर कंप्लीट कर सकता है, जिसका दोनों एग्जाम होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन दोनों एग्जाम होगा, वो दोनों कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसका हमारा दिया हुआ है कि व्यवसाय में सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवसाय में सामाजिक जिम्मेदारी जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी जाना जाता है, और लोगों और संगठनों से संबंधित जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों के नैतिक और संवेदनशीलता के साथ व्यवसाय का संचालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन में आपके क्वेश्चन दिया है कि नव परिवर्तन हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख करना है, कि नव परिवर्तन हेतु आपके न्यू एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, पर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा दिया है कि साझेदारी संलेख के मुख्य तत्व का उल्लेख करना है। तो साझेदारी संलेख देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पुटअप किया गया है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमारा दिया हुआ है कि समझौता साझेदारी का गठन का आधार है। ठीक है, समझौते का लिखित होना साझेदारी फर्म का उल्लेख होता है। इसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधित शर्तों का उल्लेख किया जाता है, इसमें साझेदारों की मध्य संबंधों को लिखा जाता है, इसमें साझेदारी संलेख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका ऑप्शनल में आपको क्वेश्चन दिया है कि कोऑपरेटिव संगठन से आप क्या तात्पर्य है, इसके प्राथमिक उद्देश्य के बारे में बताना है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के एवं लाभ एवं चुनौतियों का चर्चा करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपको देखना है, जो किसी देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना परिचालन स्थापित करने की अनुमति देते हैं उनमें मेजबान देश कहा जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जिसमें वे काम करती हैं। वे नौकरियां पैदा करती हैं, नौकरियां करों का भुगतान करती हैं, और वो मेजबान देश के सामाजिक कल्याण में योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है कि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रयुक्त विभिन्न चरणों का विस्तार कृषि कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पता है क्या है, इसमें ना एक ट्रिक होती है, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल पेपर होता है ना, उसमें कम्युनिकेशन का क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है, और जब कम्युनिकेशन का पेपर होता है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कभी कभी मिक्स, जिसका भी मिक्स पेपर होगा वो मिक्स कम्प्लीट कर लेगा, एंड जिसका सिंगल सिंगल पेपर होगा वो भी ये कम्प्लीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका संप्रेषण के देखते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। संप्रेषण के मूल तत्व इस प्रकार है, संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसमें भेजे जाने वाले प्राप्तकर्ता दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, जब आप अपने पिता से बात करते हैं तब संप्रेषण व्यक्तिगत स्तर पर होता है, जब अध्यापक छात्रों से एक समूह से बात करता है तो वह संप्रेषण समूह का स्तर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, और ऑप्शनल में आपके क्वेश्चन दिए कि एक अच्छा श्रोता के लिए अनिवार्यता होनी चाहिए, गुड लिसनर के लिए, गुड लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन का सिंगल पेपर होगा ना तो जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, गुड लिसनर के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक व्यवसायिक पत्र की संरचना बताइए, बिजनेस लेटर के बारे में बताना है। तो जैसा कि मैं पिछले भी काफी सारे वीडियोस आपको बता चुकी हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं आपको डिस्कस कराई हूँ, जैसा कि आपको ना सारे वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहिएगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको सारे वीडियोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंगल सिंगल आपके सब्जेक्ट के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MPYQ मिल जाएंगे 3 to 5 के, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, आपको व्यावसायिक पत्र के बारे में बताना है। तो व्यावसायिक पत्र की संरचना देखिए क्या होता है। इसमें नाम, पता, संपर्क नंबर, पिन कोड, पदनाम आदि शामिल होते हैं। विषय, व्यावसायिक पत्र एक महत्वपूर्ण घटक विषय है, ठीक है। एक प्राप्तकर्ता को पत्र लिखने का कारण बताता है, ठीक है। विषय एक संक्षिप्त कथन की तरह होना चाहिए जो मुद्दे पर सटीक हो, ध्यान आकर्षित करने और समझने योग्य हो, सीधा हो, मतलब सरल शब्दों में लिखा होना चाहिए। किसी भी बिजनेस लेटर को, मतलब किसी भी व्यवसाय को अगर पत्र लिख रहे हैं तो बहुत ही सरल शब्दों में लिखा होना चाहिए, जिससे हमारा जो भी हम पत्र लिख रहे हैं बहुत ही इफेक्टिवली होना चाहिए, जिससे हमारा व्यवसाय में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे, देख लेते हैं। लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं जिसमें आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब 24 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, मतलब अच्छे से करोगे तो भी 12 नंबर मिलेगा। मतलब कैसे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से लिख रहे हैं तो 3 से 4 पे अच्छे से लिखे ताकि पूरे फुल मार्क्स आपको मिले। पहला क्वेश्चन आता है कि व्यवसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं। व्यवसायिक संगठन के लक्षण एवं उद्देश्य बताना है। व्यवसायिक उद्देश्य के वाणिज्य में क्या महत्व है उसके बारे में देखते हैं। तो उन संगठनों एवं व्यवसायी संगठन कहते हैं जिनका निर्माण एवं प्रशासन कंपनी कानून के अनुसार होता है। यह व्यवसायिक गतिविधियां, बिजनेस एक्टिविटी, धर्मार्थ कार्य, मतलब चैरिटेबल वर्क तथा कुछ अन्य कार्य करते हैं। अधिकतर व्यवसायी संगठन कोई उत्पाद बेचने या कोई सेवा के लिए निर्मित बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी इज आर्टिफिशियल कंपनी, हो सकता है आपका ना वेरी शॉर्ट में पुटअप कर ले, ठीक है। कंपनी का कृत्रिम व्यक्ति क्या है उसके बारे में बताइए, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहलाती है इसके बारे में एक्सप्लेन या संक्षिप्त विवरण दीजिए। ऐसे आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है वेरी शॉर्ट में, तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, जैसे कि सूचना सिद्धांत, मतलब आपका लेन देन सिद्धांत। एंड आपका नेक्स्ट दिया है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये कि न्यू है एंड न्यू क्वेश्चन ना काफी बार पुटअप कर रहा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, जैसे कि रोल ऑफ सोशल मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। एंड कृत्रिम व्यक्ति वाला आपको क्वेश्चन कम्प्लीट करना है। तो कंपनी का देखते हैं, कंपनी को विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है कि एक ओर तो इसका जन्म अप्राकृतिक तरीके से होता है तथा दूसरी ओर प्राकृतिक व्यक्ति की तरह इसका अधिकार एवं दायित्व होते हैं, ठीक है। कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित एवं कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों से प्रतिकर्तृत्व एवं अनांशिक उत्तरदायित्व होता है। कंपनी व्यक्ति का व्यक्तियों का एक अच्छी संगठन है जहां यह विधान द्वारा निर्मित की जाती है। इसका स्वयं का प्रबंधन, संचालन, मंडल, पूंजी का स्वयं स्वर्ण मुद्रा होती है। इनके सौ मुद्दा, मतलब इनका खुद का मोहर होता है, सौ मुद्दा मतलब मोहर, ठीक है। एंड पूरा आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, जो कि मैंने आपको पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करा दिया है। अब हम आते हैं पॉट क्वेश्चन पे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला, आपको शॉर्ट में कुछ नोट्स में लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइवेट निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड वैश्वीकरण, मोबाइल कॉमर्स, व्यावसायिक योजना, लघु स्तरीय उद्योग, जोखिम प्रबंधन, प्रशिक्षण का महत्व, ये सब आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन की विशेषता एवं मुख्य भूमिका को बताना है आपको। नेटवर्क विपणन क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आउटसोर्सिंग है, फ्रेंचाइजेस क्या है, लघु व्यवसाय देश का विकास का महत्व, प्लांट लेआउट से आपका क्या अभिप्राय, ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उत्पादन चक्र क्या है, प्रशिक्षण कर्मचारियों के क्यों महत्व है, तो ये सब आपको अच्छे से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट होगा, एनी डाउट, आप टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और इसका वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।